हेलो स्टूडेंट्स, आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का 10th वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डेवलपमेंट्स लीडिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, बोर्स एटॉमिक मॉडल के कुछ लिमिटेशंस थे और उसी लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए दो डेवलपमेंट्स हुए और इसी दो डेवलपमेंट पर बेस्ड ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल प्रपोज किया गया बाय इरविन श्रोडिंगर की द्वारा। तो आइए पहले हम पढ़ते हैं व्हाट आर द टू इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। तो नंबर वन, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने जब ये देखा कि रेडिएशन का दो नेचर हो सकता है, यानी रेडिएशन में पहले वेव नेचर था, बाद में पार्टिकल नेचर आ गया, तो उन्होंने ये अपना एक थॉट रखा कि जब कोई पार्टिकल है तो उसमें वेव नेचर भी होगा, और इसीलिए वो अपना अपना थॉट दिए, अपना विचार दिए, अपना हाइपोथेसिस दिए कि एवरी पार्टिकल इन मोशन हैज ए वेव कैरेक्टर। और इसी हाइपोथेसिस के लिए उन्होंने एक इक्वेशन भी दिया। ये इक्वेशन था लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, वेयर लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल वेव एंड एच इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, एम इज द मास ऑफ पार्टिकल एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये जो उन्होंने इक्वेशन दिया, इसमें हम देख सकते हैं कि एम वी इज इक्वल टू होता है मोमेंटम, देयरफॉर वेव लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन था ये उन्होंने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सिग्निफिकेंट था। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मास, यदि मास कम होता है जिसके कारण उसका वेवलेंथ लार्ज होता है, और लार्ज वेवलेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन यदि मास हाई होगा तो वेवलेंथ इज टू स्मॉल दैट कैन नॉट बी मेजर। तो यदि कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास कम और एक का मास ज्यादा, और दोनों सेम स्पीड से यदि मूव कर रही है, तो जो स्मॉल मास का पार्टिकल होगा उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा और जो लार्ज मास का वेवलेंथ होगा, जो लार्ज मास वाले पार्टिकल का वेवलेंथ होगा, दैट वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल एंड दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर मूविंग प्रोटॉन। This equation is also applicable for moving photon. Photon, जो कि light के particle को कहते हैं, और जब हम इस light के लिए इस equation को use करेंगे तो यहाँ भी जो होगा वो velocity of radiation होगा, and that's value 3×10⁸ meter per second. अब हम यहाँ पे देखते हैं लेमडा को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हम जानते हैं जब भी कोई पार्टिकल्स मोशन में है तो उसके साथ एक काइनेटिक एनर्जी होती है। उस काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हम अब वेवलेंथ को एक्सप्रेस करेंगे। सपोज कीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। We know that momentum P is equal to mv and therefore V is equal to P by M. Putting the value of V in equation 2, we get kinetic energy is equal to half m V square divided by m square. Therefore, P square is equal to 2 kinetic energy mass. Hence, P is equal to under root 2 kinetic energy mass. Putting the value of P in equation this. तो यहाँ पे
पुट करते हैं, देखिए क्या होता है। वेवलेंथ इज इक्वल टू एच बाई अंडर रूट टू के ई एन, टू काइनेटिक एनर्जी मास। अब आइए हम यहाँ पे जो इस पर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि दिस इक्वेशन इज सिग्निफिकेंट फॉर स्मॉल पार्टिकल्स, बट पार्टिकल्स हैविंग स्मॉल मास, हैविंग लेस मास, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इट मीन्स दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इट इज सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। हम अप्लाई दोनों के लिए करेंगे, लेकिन सिग्निफिकेंट किसके लिए होगा? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, क्योंकि उसका मास लेस होता है और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में मास ज्यादा होता है। इसीलिए वेवलेंथ, जैसा पहले बता चुके हैं कि वेवलेंथ उसका, the wavelength is too small that cannot be measured. तो आइए यहाँ पे हम न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³⁻ किलोग्राम, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इज इक्वल टू 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं। वेवलेंथ इज इक्वल टू एच बाई एम वी, एच का वैल्यू जो कि हम पहले बता चुके हैं 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³⁹ किलोग्राम इन टू वी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर मल्टीप्लाइड बाई 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर वेवलेंथ इज इक्वल टू 3.23 × 10⁻¹⁰ मीटर। This value of wavelength can be measured. इसको हम मेजर कर सकते हैं, because this value is large in comparison, and therefore it is significant for small moving particle. अब हम एक large particle के लिए देखते हैं जिसका mass बड़ा है, यानी mass of object 100 ग्राम लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए मास 9 इलेक्ट्रॉन का कितना था, 9.1 × 10⁻³⁹ किलोग्राम। इसके लिए ये वेवलेंथ आया। यदि हम हेवी ऑब्जेक्ट के लिए लेते हैं तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट 100 ग्राम, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम वेवलेंथ निकालते हैं ऑब्जेक्ट का, तो वेवलेंथ हो जाएगा, वेवलेंथ इज इक्वल टू 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय। अब ये 100 ग्राम को हम एसआई यूनिट में चेंज करेंगे, यानी किलोग्राम में, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम इनटू 20 मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यू क्या हो गया देखिए, 3.313 × 10⁻³⁴ मीटर। यहाँ पे क्या था वैल्यू, 10⁻⁰ मीटर, जबकि यहाँ पर है मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³⁴ मीटर। देयरफॉर दिस वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इज टू स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, एंड दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। देयरफॉर दिस इक्वेशन इज सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एंड नॉट सिग्निफिकेंट फॉर मैक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल। अब हम आते हैं, जानते हैं कि ये वेव जो है, जो कि किसी ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड है, उस वेव को क्या कहते हैं। तो वेव एसोसिएटेड विथ मैटर, यानी पार्टिकल कहाँ पे है, मैटर के अंदर है। तो वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर। इट वॉज कन्फर्म्ड, यानी दिस इक्वेशन दैट इज द एवरी पार्टिकल हैज wave nature is confirmed by diffraction experiment, and this experiment is done by Davison and Germer. तो इसी experiment के द्वारा ये पता चला कि object में particle nature भी होता है और wave nature भी होता है। particle nature तो है ही, लेकिन wave nature को बताने के लिए उन्होंने ये experiment किया। This fact is used in making electron microscope to measure the size of very small object. इसी equation पर based है electron microscope, जो कि किसी भी object का size को 15 million times magnify करता है, large करता है। Thank you.